बोला सर मैं तो मतलब अनपढ़ ही मानो 8वीं फेल को हम पढ़ी लिखी नहीं कह सकते। बोला जी मेरे बस की बात को नहीं, मैं चैनल नहीं चला सकती। मैंने कहा तेरे को चैनल चलाना मैं सिखाऊंगा। मैंने इसका चैनल बनाया, फिर वीडियो डालनी शुरू की। 35 दिन में इसका चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर इस दौरान हमारे पास और भी बहुत सारे कलाकार साथी आए, हमने उनके चैनलों पे भी काम किया, उन्होंने हमारे चैनलों पे काम किया। लेकिन अब पिछले 2-2.5 महीने से हमारे पास मतलब कोई कलाकार नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 5-7 बार आवे उनके दिमाग में ये 5-7 दिन मेहनत करिए, 5-7 नाटक बनाए और यूट्यूब से लखपति करोड़पति बन जाओगे, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। मैंने कहा रेखा अब हमने काम बंद कर देना चाहिए, अब हम 2 ही बच गए और 2 हम एपिसोड नहीं बना सकते। तो इसने मतलब कहा सर अब हम 2 रह गए नहीं तो हम दोनों ही काम करेंगे, कोई ना कोई तो आएगा ही भाई, एकदम नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई जरूर आ होगा अपने पास। हमने फिर दोनों ने वीडियो बनाई, दोनों वीडियो बनाते गए, फिर हमारे पास एक लड़की और आई रेखा झज्जर, एक बड़ी आड़ी से आए, एक भीमा बागड़ी जी थे का अशोक दहिया, ये आने लगे। फिर थोड़ा सा फिर कंटिन्यूटी बन गई, वहाँ चलो काम चलेगा। फिर और रेखा झज्जर की भी मतलब मजबूरी ये है कि झज्जर से यहाँ आना फिर वापस जाना, बच्चे उसके थे तो वो नाइट भी आने ही लगा सकती, तो उसका भी मतलब 5-7 चक्कर काटे उसने। तब मैं कभी 10 दिन में आती थी, वो 5-7 चक्कर काट के वो भी मतलब थक हार गई। बोला सर मैं अब क्या करूं? मैंने कहा तुम इन चैनलों पर मतलब ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर ले। 2 चैनल बनाए थे मैंने उसके, तो एक चैनल पे उसके मतलब 1200 सब्सक्राइबर हो गए, एक पे 550 के करीब है, वो लग रही है मेहनत करने। बाकी जो कलाकार आए वो कोई किसी के 500 सब्सक्राइबर पे छोड़ गया, कोई 700 पे छोड़ गया, फिर सारे बंद हो गए। तो मैंने कहा रेखा अब क्या करें, अब हम दोनों वीडियो नहीं बना सकते, क्या एपिसोड बनाए हम दोनों? तो इसने कहा सर हम लाइव आना शुरू करते हैं, मतलब यूट्यूब के चैनल को हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा भाई हमारे घर में तो रेंज है नहीं, आप भी जैसे आए हुए हैं आप नहीं पता कितनी कितना नेटवर्क है यहाँ। मैंने कहा हमारे घर लाइव नहीं आ जाएगा, इसलिए मुझे आपके घर ही लाइव आना पड़ेगा। अब आप को यहाँ आए हो, आपको तसल्ली हुई कि इस घर में नेटवर्क नहीं है, लेकिन इसके गांव के किसी आदमी ने तो ये नहीं सोचा हुआ नहीं कि ये आदमी यहाँ नेटवर्क के लिए आता है। लोगों के आस पड़ोस के जो औरतें थी उनके दिमाग में गलत फहमीज होनी स्टार्ट हो गई, मेरे तो मास्टर तो उरे ही पढ़ा रहो, मास्टर तो उरे ही पढ़ा रहो। फिर मैंने कहा भाई 2 दिन फिर हम यहाँ रहते तो यहाँ रह के फिर हम या जग्गावाड़ा के पास एक मेरे यार दोस्त का खेत है, वहाँ खेत में जाके वहाँ पुरानी बेली है उसकी, तो उस बेली में वहाँ दिन में लाइव आ जा करेंगे, रात में तो खेत में किस तरह रहेंगे, तो हम वहाँ लाइव आ जाते। जब इनके घर जाते तो भी फिर हम दिन में खेत में आ जाते और नाइट में वहां लाइव आते। तो आपने भी एक बंदे की वीडियोस देखी होगी जिसने मतलब पूरी ढाणी पीरा वाली को वो कर रखा है, कि ऐसे भाषण दे रहा है जैसे कि सारे गांव का ठेका इसी ने उठा रखा है। उस आदमी का थोड़ा सा मेरे साथ मतलब ये मानो कि ईगो हर्ट था और कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। उसने एक बार रेखा को कहा कि रोहतक में चलना है, ऑडिशन है। इसने कह दिया मैं मेरे गुरुजी से पूछूंगी, अगर गुरुजी जाएंगे तो मैं चल जाऊंगी, अदरवाइज मैं अकेली नहीं जाने वाली। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी से बात करा दो, गुरुजी का नंबर दे। मेरे पास कॉल आया उनका, बोला सर रोहतक में ऑडिशन है। मैंने कहा भाई बता देंगे सोच के। फिर मैंने कहा भाई कहाँ है ऑडिशन, क्या ऑडिशन है, ऑडिशन किस लिए आप ऑडिशन ले रहे हैं? तो मुझे उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं लगा। तो मैंने कहा नहीं सर देखो हमारे चैनल हैं, हम हमारे चैनलों पर ही काम कर रहे हैं, आप फिल्म शूट करोगे क्या शूट करोगे, हम मतलब क्यों जाएं कहीं पे काम करने, हम तो हमारा ही काम कर रहे हैं।
तो उस समय मेरे हिसाब से कि कई बार कलाकार के एक कलाकार को देख के हर्ट होती है, ईगो हर्ट होती है, तो उसको ईगो हर्ट हुआ होगा। एक तो इनके गांव में और हैं जो सिंगिंग वगैरह करते हैं, तो अब ये लड़की लोगों ने इसके गांव में लोगों ने चैनल बनाए हुए, सफल नहीं हुए, लेकिन जब इसका गूगल एडसेंस का लिफाफा घर गया था ना, तो कलाकारों को तभी से ऐसा हो गया भाई ये लड़की इतनी जल्दी यूट्यूब पे सक्सेस। तो उधर आस पड़ोस में जो औरतें थी, अब की बात है ये, वो वैसे नू खिला पड़ने लगी भाई इनका कोई ना कोई गलत चक्कर है भाई, रेंज खातर तो कौन अंधा हुआ। अब वो के बेचारी खोखा ओढ़ी है, उन्हें क्या पता खोखा का के सिस्टम है। अगर खोखा गांव में रेंज होती तो मैं वहां नहीं जाता, मैं यहाँ रखता इसको, यहाँ अपन आप देख रहे हो बढ़िया लोकेशन, बढ़िया ये जगह है। एक बार बीच में रुकना चाहूंगा। हाँ तो जी, सर आपने पूरे इंट्रोडक्शन दे दिया आपने खुद के बारे में। जो ये वीडियो बनानी शुरू करी है, कब से बनानी शुरू करी है, जो इस प्रकार की वीडियो जो अश्लील वीडियो है? अश्लील तो हम नहीं कह सकते, मतलब हमने 1.5 साल पहले जब ये मिली तभी से स्टार्ट किया था, 1.5 साल पहले ही मिली थी। अच्छा, आपके फैमिली में कौन है? आपके फैमिली में मेरी फैमिली में माँ बाप हैं, 3 भाई हैं, और मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, भाई है, उसकी पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी तो एक्सपायर हो ही गई सर, जैसे थी। आप एजुकेटेड भी हो, देख लिया आपने, क्वालिफिकेशन भी आपने जो बताई है, और साथ में आपका परिवार भी एक है, तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ जो लड़की काम कर रही है और इस प्रकार की वीडियो डाल रही है, कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी देखते होंगे, समाज के अंदर गलत संदेश नहीं जाएगा फिर एक वीडियो सर, वायरल करने के लिए? आखिर इरादा क्या है इस चीज़ का? सर मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले ही बताया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइटल को अट्रैक्टिव करने के लिए उसका थंबनेल भी, इससे चलेगी वीडियो और उसका टाइटल, उस पर काम किया, और बाकी कोई उसमें न्यूडिटी नहीं है हमारे किसी भी नाटक में। सर, एक मिनट रुकना चाहूंगा। थंबनेल आप चेंज कीजिए, थंबनेल कैसा ही लगाइए, टाइटल आप चेंज कीजिए, लेकिन जो अंदर चीज दिखाई जा रही है उसको कैसे चेंज करोगे आप? अंदर अब जैसे कि मान लिया कि हमने जीजा साड़ी पे नाटक बनाया, वो उसको छोड़ो ठीक सर, जो ठीक नहाते हुए वीडियो है, नहाने की जो वीडियो है देखो आप, वो एक व्लॉग चैनल है। सर आप एक मिनट समझे एक बार, व्लॉग चैनल की कैटेगरी में क्या आता है कि आदमी कोई कोई तो ट्रैवलिंग का व्लॉग बना लेता है, भाई मैं ट्रैवलिंग करके हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाऊंगा, कोई धाम दिखाऊंगा, इस प्रकार से वो लोग बनाते हैं। कुछ लोग बनाते हैं भाई मेरा रहन सहन कैसा है, कुछ लोग वो लोग स्टार्ट करते हैं कि मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरे मित्र कैसे हैं, उनका इंट्रोडक्शन डालते हैं। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसा घर है, इस प्रकार का मतलब कंटेंट अपने ब्लॉग चैनल पे डालते हैं। तो आप जिस बाथरूम वाली वीडियो की बात कर रहे हैं वो इतना बड़ा इश्यू बनाने की बात नहीं है कि इस लड़की ने इतना ऐसा दिखा दिया। फिल्मों में भी बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं कि ऊपर फुहारा चल रहा है और लड़की नहा रही है, बल्कि ये तो इतने इससे भी कम कपड़ों में ऐसे सीन टेलीविजनों में अक्सर आते हैं। फिल्मों की बात की वो अलग मैटर, लेकिन अपना जो हरियाणा का जो समाज है वो इस बात को नहीं अलाउ नहीं 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 सर, वो भी तो हरियाणा के लोग ही देखते हैं, हरियाणा के लोगों की बात कर रहा हूँ। करता। चलो चलो सर, इससे आप संदेश क्या दोगे? आप ये वो बताओ, लोग क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, देखो बड़े हो रहे होंगे, लड़की भी है और भी पड़ोस में होंगे, ये भी एक लड़की है, अगर इस प्रकार से ये वीडियो बनाती है तो उनके मन में क्या संदेश जाएगा इस वीडियो को देख के? इस वीडियो में इतनी न्यूडिटी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। आप नहीं, बार बार देखो, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, इससे पहले भी लोग आए हैं, आप बार भी देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज है समाज में, और इन्हें इस जो आपकी वीडियो है, जो थंबनेल है, जो ब्लॉग चैनल है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो उसको लेकर क्या है? ये समाज गलत है, आपकी वीडियो गलत है, क्या उसमें सही है? आप क्या आपको निर्णय पता लेते हो इस पे? हाँ जी, क्या निर्णय ले रहे हो कि मैं इस चीज के लिए वीडियो बना रहा हूँ नहीं, या समाज ने तो नकार दिया कि ये गलत है, गलत है, आपने भी समाज आपको पता है? समाज ने नहीं नकारा, समाज नकारता तो समाज देखता नहीं, उसको ब्लॉक करता, इसके चैनल पे रिपोर्ट मारता।
मेरी बात सुनो सर, ऐसे तो अगर आप किसी भी प्रकार की वीडियो डालेंगे तो वो भी देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन एक जो समाज के अंदर वर्बली बात चली हुई है भाई, इस प्रकार से ये बात देखो, ये जो हंगामा मचा हुआ है ये बाथरूम वाली वीडियो की वजह से हंगामा नहीं है, और भी कई वीडियो है, और भी एक लड़का, ये वीडियो के ऊपर हंगामा है ही नहीं सर। एक लड़का इसके साथ वो गलत हरकत सी दिखाई जा रही है, एक लड़का है जो इसके ऊपर जो गलत हरकत है, मतलब दिखा, मैं बोल नहीं सकता पूरी बात। तो मतलब गलत हरकत जैसे कि चिपकना वाला सीन होगा, तो क्या कपड़े निकाल रखे थे लड़के योगी वैद्य की होगी, वैद्य पे होगी या क्योंकि वीडियो जितनी हमारी तो मतलब एक वीडियो में आपने बहुत सारी वीडियो से वैद्य के एडर उनका। हां नहीं, मैंने इतना इसका वस्त्र उठा दिया तो अच्छी बात। नहीं 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 रुको, ये आप समाज को सकते हैं नहीं क्या, ये आप आपकी गलत बेटी थे, जैसे आप खुद भी कर सकते हो, ये खुद अपने ऊपर भी तो करवा सकते हो, एक लेडीज को दिखाना या खुद भी तो कर सकते हो ये चीजें, या फिर इसका चेहरा आप छुपाओ। कई बार दिखाते हैं जो हरियाणा दिखाते हैं, कई बार ऐसी चीजें दिखाते हैं करनाल प्लस के, तो उनका चेहरा छुपा देते हैं, तब इसका चेहरा छुपा हुआ अगर ऐसी प्रकार की कोई चीजें दिखानी है, चेहरा क्यों सामने लेके आ रहे हो? मेरी बात सुनो, वो जो वीडियोज हैं उन वीडियोज में भी शिक्षा है। क्या शिक्षा दी? मैं बताऊं, आपने फिर पूरी वीडियो नहीं देखी, आपने सिर्फ ऐसे आपके सारे वीडियो देख ली, लास्ट मंथ की वीडियो देख ली, मैंने देख ली। हाँ। लास्ट में क्या बताया था? लास्ट मंथ देखिए 10 सेकंड से क्या होता है सर, जो चीज 10 सेकंड ही नहीं है सर, मैं सिर्फ 10 सेकंड में क्या बताऊं, जो चीज शुरू में देखी जाती है वो देखते हैं सर, उस वो जिस चीज की आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं उसकी शिक्षा बताऊं मैं क्या थी? बताओ। जैसे धरण का वो हो गया, धरण का इलाज हो गया, ठीक है, धरण का इलाज गाँव में अक्सर क्या होता है कि औरतें हैं ये पेट में सड़ान चली जाओ, अच्छा। ठीक है, बेवजह से मतलब धरण में सड़ा दी, फिर वो एक दो दिन आराम रहा, फिर बोला धरण दुख है मेरी, धरण पड़गी, वो हो गया, फिर मसड़ दी, फिर मसड़ दी, फिर मसड़ दी, उससे उसकी धरण खराब होती है ना कि ठीक होती है, अच्छा। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि इस प्रकार जो मतलब जो मालिश होती है ना धरण के ऊपर जो मालिश करवाते हैं वो गलत है, उसका डॉक्टरी इलाज करवाएं, उसको मेडिसिन दिलाएं। ये चीजा ना मतलब जो वस्त्र उठा रहे लड़की का ये बिना उठाए मतलब बता सकते हैं ये चीजा तो आप, या फिर आप तो उठा लड़की को तो उठा नहीं सकते, या फिर लड़की के आप चेहरा छुपा सकते हैं, चेहरा तो दिखा नहीं सकते आप जब भी देखते हैं तो नहीं तो इतना इतना कुछ इतना थोड़ा ही दिखा रखा हमने कि चेहरा छुपाए हम।